कॉन्फ्रेंस रूम, चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम संसद भवन परिसर में, जहां शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। Yes, yes, yes. Oath or affirmation, Secretary General. Maharashtra, Srimati Sunetra Ajit Pawar. Me, so Sunetra Ajit Pawar. राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। तो आपको बता दें कि एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। 60 साल की सुनेत्रा पवार सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुनेत्रा पवार एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं, जो 2010 में स्थापित एनजीओ है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन करती हुई सुनेत्रा अजीत पवार महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुनी गई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार। एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इनका चुनाव हुआ था। इस पद के लिए आपको बता दें केवल सुनेत्रा पवार का ही आवेदन प्राप्त हुआ था। सुनेत्रा पवार ने गुरुवार यानी कि 13 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा के बारे में आपको बताएं, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है और स्थायी सदन है और भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह उतनी ही संख्या में सदस्यों को चुना जाता है। सुनेत्रा अजीत पवार ने सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर वहां पर तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद हैं और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्यसभा में स्थान ग्रहण करने से पहले नव निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों को संविधान के 99 अनुच्छेद के अनुसार संविधान की 30 अनुसूची में दिए गए प्रारूप में शपथ लेना होता है। इसके बाद हस्ताक्षर करना होता है। सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी भाषा में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में ये उपबंद है कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही उसकी उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीरों में ग्रुप फोटोग्राफ के लिए राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद सुनेत्रा अजीत पवार सभापति जगदीप धनखड़ के साथ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी इस मौके पर मौजूद हैं, साथ ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। और इस वक्त ग्रुप फोटोग्राफ का कार्यक्रम वहां चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप